चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से रविवार शाम तक टकराएगा। इस चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। यह बंगाल की खाड़ी में यह मॉनसून सीजन का पहला चक्रवात होगा। वही आपको बता दें, इस चक्रवात की वजह से 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वही पश्चिम बंगाल समेत उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में 26 और 27 मई को भारी बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 मई को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर और त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। वही 26 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। इसके अलावा जो मछुआरे पहले से ही समुद्र में हैं, उन्हें 26 मई के पहले तट पर लौटने की सलाह भी दी गई है। जो साइक्लोन हिट करने वाला है, वो साइक्लोन 26 तारीख का मिडनाइट में बांग्लादेश और उसका जो एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट करने का चांस है। मतलब मोस्ट लाइकली हिट करने का चांस है बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपाड़ा। सागर आइलैंड ऑफ आवर कंट्री वेस्ट बंगाल, खेपूपाड़ा ऑफ बांग्लादेश मिडनाइट में। एंड इट विल क्रॉस द कोस्ट एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जब ये करेंगे। और साइक्लोन जब बनेगा, साइक्लोन बनने का बाद उनको नाम होगा रेमल, प्रोनाउंसिएशन होगा रेमल, उसका स्पेलिंग है REMAL, रेमल। ये नाम एक्चुअली वोमन ने दिया है, तो इतना दिन हम लोग नहीं बोल पाए बिकॉज एक साइक्लोन इज जस्ट लाइक एक बच्चे का जन्म का माफी। हम लोग जानता है एक बच्चे का जन्म होगा, लेकिन जब तक ना वो बच्चा जन्म होता है उसको तो नाम हम लोग नहीं दे पाएंगे ना। तो लाइक दैट व्हेन द साइक्लोन विल फॉर्म देन इट विल बी नेम्ड एज रेमल एंड दिस नेम इज गिवेन बाय द कंट्री ओमान।